व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजे यार मैं आ गया हूँ फुकरे की एक और वीडियो लेकर रिएक्ट करने के लिए। कल मैंने रिएक्ट नहीं करा था फुकरे की वीडियो पे, तो तुम्हारे कमेंट्स आने लगे। आज फुकरा इंसान की वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया आपने, और कल रात को लाइव पे भी 10:30 बजे कितने लोगों ने मेरे को बोला, तो अभी फिर कर देते हैं रिएक्ट। ठीक है, मैं लेट हो गया फिर ना, पता क्या, अगर मैं आते ही रिएक्ट कर दूँ तो तुम्हारा आता है कि आते ही रिएक्ट मत किया करो। अभी कर देता हूँ, फिलहाल देखते हैं। चलो उसका कुछ ऐसे हॉट भाभी करके नाम था। वो आपकी पहली रोस्ट वीडियो थी? वो पहली रोस्ट ये मैंने देखा हुआ एक्चुअली, संदीप महेश्वरी जी का ये वाला एपिसोड वीडियो थी मेरी। उसमें क्या था, किसका रोस्ट किया था आपने? उसके अंदर ऐसे था सर, जो यूट्यूब पे ऐसे हॉट भाभी, हॉट नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जो भाषा बंदा जो आप अकेले में देखते थे? नहीं अकेले में नहीं देखते सर, हमारे दोस्त भी होते थे, हम साथ में देखते थे। एक साथ हॉट हॉट भाभियां देखी जा रही है कैरी भाई एंड संदीप सर। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो बुलाओ मुझे भी संदीप महेश्वरी शो पे। मतलब कौन कौन चाहता है मैं जाऊं संदीप सर के शो पे, और अगर चाहते हो तो उनको भी टैग करो और बोलो हेलो ऑल्सो। और कौन कौन चाहता है कि फुकरा हमारे लाइव पे आए यार, सीरियसली, और जेन्युइन वाला आए, वो कमेंट करके पैसे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जेन्युइन वाला आए, मजा भी आएगा। आई वुड वॉन्ट हिम टू कम टू द लाइव एंड लेट्स टॉक, मतलब मजा आने वाला है। तो फिर ठीक है, फुकरे वाली स्ट्रैटेजी ठीक है, टैग करो मेरे को जितने लोग चाहते हैं कि फुकरा और मैं इकट्ठे एक वीडियो करें, या उसके चैनल पे या मेरे चैनल पे। उसके चैनल पे तो मुझे क्यों बुलाएगा, हाँ ठीक है हमारे चैनल पे आ जाए, चाहे बिना इंटीमेट करे आ जाए किसी को, मैं तो पर्सनली मिलना चाहता हूँ, वो बहुत है अपने लिए। लेट्स सी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून। अच्छा तो हारून, ये लंबी लंबी जुल्फों के पीछे क्या राज है? बताओ ऐसी क्या चीज है जिसको आप देख तो सकते लेकिन हाथ नहीं लगा सकते? मास्टर्स की एक लड़की है वो। ड्रीम क्या है, लड़की चाहिए? पहले तुम लड़कियां दो मुझे। लड़कियां खरीदता है? ओहो ओहो हो हो, ये तो क्या स्वैग एंट्री करी आंटी ने, ये तो पहली बार में लेके जाए और ले गई, तभी तो चश्मा पहने है, वे मतलब स्वैग नहीं है ब्रो, दैट्स द स्वैग आंटी डिजर्व्स। क्या बात क्या बात क्या बात। प्लेइंग विद एनिमल इज गुड बट ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर टचिंग डर्टी एनिमल क्लीन योरसेल्फ। पानी लाना, गाय को साफ कराओ। बताओ डर्टी एनिमल साला। एग्जैक्टली, मैं भी यही करता साला, बड़ा आया। डर्टी एनिमल। वाह, हैप्पी न्यू ईयर। सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये केक, और मुझे पता है कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। इंदुमती और भीम कहाँ हैं? पता नहीं हमारा। भीम केक खा रहे? कुछ देर से दोनों दिखाई नहीं दे रहे। गाइस आपने टुनटुन मौसी देखी? टुनटुन मौसी, जब मैं बिग बॉस घर में टुनटुन मौसी बोलता था तो ये थी वो टुनटुन मौसी ब्रो। आई लव यू टुनटुन मौसी, आई लव टुनटुन मौसी एज अ कैरेक्टर। गलत मैं सोच लेना यार, कितनी मस्त है टुनटुन मौसी। टुनटुन मौसी बढ़िया लग रहा है। बेबी का वाज नॉट रोस्टेड। श्रीधा, हमने आपको आश्रम में देखा, आपने इतना कमाल का काम किया है। अच्छा, आपको जब ऑफर हुआ आश्रम सीरियल, आपको लगा था कि सीरीज का नाम आश्रम है और आपको इतना बोल्ड करेक्टर ऑफर करेंगे वो? बैक टू बैक मेरे को लत लग जाती है कुछ चीज देखता हूँ, 7-8 एपिसोड। आई थिंक आपको भी कास्ट करना चाहिए। अब अभी दौड़ा रोल बड़े हरामी हो बेटे, कौन नहीं करना चाहेगा रोल। यार सूरत आओगे तो तुम्हें फ्री में कपड़े मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं फ्री के कपड़े लेने सूरत चला गया। ये आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात कर रही है तो कभी नहीं बनी सर, मुझे जरूरी नहीं है। स्वैग हो तो सुपरस्टार जैसा, नाइस। हेलो सर। हेलो मैम। क्या करते हो भाई आप? सर मेरा नाम है राहुल मदान, 20 साल का मैं गबरू नौजवान, और इस साल रोडीज का बनने वाला बड़ा नाम। अच्छा, आप इनको जानते हो? यस सर जानता हूँ, थारा भाई जोगिंदर भाई हमारे। चलो आप एक चीज करो, आप सोचो कि आप वो थारा भाई जोगिंदर और आप इनकी नकल करके दिखाओ। जोगिंदर यो जोगिंदर खेतों में इतना हक देगा, खेतों में इतना हक देगा। भाई को यही करता है, सही तो कर रहा है। देखा था मैंने। वाडा भाई जोगिंदर इतना हगू, इतना हगू किसी ने सोची ना हो। क्या बात क्या बात क्या बात।
तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के इंटरव्यू लेते हैं भाई, क्या बात है, नाइस है यार, तुम तो बहुत ही स्टंट बॉय निकले सिद्धार्थ भाई, आई कॉल यू, ये वीडियो उन तक पहुंच ही जाएगी, तुम तो बड़े जवान लग रहे हो यहाँ पर, अभी इंटरव्यू में तो उम्र हो गई है। अगर आप लोगों की लाइफ से मनी रिमूव हो जाए सारे पैसे, तो फिर आप क्या करोगे और आपका रिएक्शन क्या होगा? हमारा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, हमारे लाइफ में ऐसे ही पैसे नहीं है। भाई एक बात सोचो, बीच वाला जो बंदा है, क्यों मेरे को कुलदीप यादव जैसा लग रहा है, तुम्हारे को लग रहा है, लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ ना। पॉलिटिक्स आप देखते हैं, देख पॉलिटिकल स्टैंड अप का है, कुलदीप यादव जैसा नहीं 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 थोड़ा बहुत साइड से लग रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ ना। पॉलिटिक्स आप देखते हैं, देख पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा, और उसमें केंद्र में कौन होगा, क्या हिंदुस्तान तैयार है पॉलिटिकल जोक्स के लिए? ये भी सवाल है मेरा। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब हिंदुस्तान का तो नहीं पता, हम लोग तैयार नहीं, मतलब कि देखिए क्या है भाई की है ना, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि आप अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूँ तो आपको कैसा लगेगा? हाँ मजा आएगा। हाँ तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो निकालता हूँ। So true, man, oh, so true. पॉलिटिकल कॉमेंट्स करो तो तुम्हारा करियर खत्म, डाटा बाय बाय, फिनिश खत्म, गुड बाय, गया। पापा सेल्फिश तो आप हो ही, लेकिन एक्टर क्या कमाल के, काश तू भी होता। ये मेरी एक्स आपके पास कहाँ से आ गई? एक्स है ना, हाँ। Oh, क्या बात है भाई ने, क्या बात बोली, क्या बात बोली, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, आतू बिल्कुल नहीं पसंद आया, आतू। So if you have to date someone in the next 2 years, whenever, how much you expect a guy to make per year? 10-15 crores. क्या 15 crore कमा के भी तुझे डेट करना? Bro, what the hell did she say? उसने बोला अगर कोई लड़का उसको डेट करना तो 15 crore रुपए सालाना कमाए, मतलब पैसे के बिना कोई लड़की नहीं टिकती भाई लोग, तब मंथली 1.5 crore रुपए इतना कमाने के बाद ये 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 बॉलीवुड जो गाने का नाम लेना ना, पर्सनली तुम्हारे घर में आके सुनाऊंगा। जी वाह वाह जी वाह, ये बेस्ट है। लाल बिंदी तेरी लगू बड़ी प्यारी, तुझे अपने साथ डेट पे ले जाओ। मैंने तो भाई सिर्फ प्यारा वाला वर्जन सुना है जो यूट्यूब पे है, बड़े चलाक हो रहे हो, क्रिएट करा था। क्या बात है विराट भाई, प्लीज नो 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 नो, आई आई आ शुमन भाई, नाइस कवर अप। अच्छा चले बैठे, फाइनली बिरयानी। मैंने तुम इस डब्बे में क्यों लेकर आई हो बिरयानी? क्योंकि खाना लेके आना था कोई अच्छा। नहीं मतलब आप अभी इसको प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने? नहीं यही प्रेजेंटेशन है, मतलब नहीं मतलब ये प्लेट में नहीं है ना, अभी आप इसको करेंगे प्रेजेंट हमारे सामने। आपको प्लेट चाहिए? प्लेट चाहिए आपको, सर्व करना है आपको? नहीं असल में मुझे कहा गया था कि खाना लेके आना है। हाँ तुम मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी मैं वो ले आई। वाजी वाजी वाह, मास्टर शेफ में ये पाकिस्तानी मास्टर शेफ में हो सकता है। बाहर से खाना लेके आई है? Where are you from? I'm from Rajasthan. अरे सौरभ जोशी भाई ने बोला कहाँ से हो, उसने बोला राजस्थान, पानी दे दिया, पानी दे दिया। अच्छा कंटेंट कैसे बनाए इसके ऊपर कुछ टिप्स? अरे ये दूसरे एपिसोड का क्वेश्चन है, इधर क्यों डाला है? मैं रोस्ट मार तो दूं लेकिन ये है वो नहीं। नाइस राइट, थगेश इज डूइंग वेरी गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई लव द थगेश शो, ऑल द बेस्ट ब्रदर, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, लॉट्स ऑफ लव। ब्रांड समवन अगेन, आई थिंक यू आर रियली प्रीटी, सो वी आर जस्ट गिविंग एयर फोर्स टू एवरी ब्यूटीफुल पर्सन। वेट रियली? या ओके भाई साहब, ये भी सही था। हाय I'm sorry. I have a word for you. What? But would you go out on a date with me? Maybe.
But I'm gay. 2 lakh likes और मैं ये recreate करूँ, किसी को ऐसे एयरपोर्ट दे दूँगा और कहूँगा बिल्कुल। ऐसे 2 lakh like तो आ ही जाएंगे, करने का मन कर रहा, वो बात अलग है। गलत बात, 1 lakh तो आए पड़े, 2 lakh तो आ ही जाएंगे, करने का मन कर रहा ना, करने का मन कर रहा। कहाँ गया ये? अबे माउस ही गायब हो जाता है हमारे यहाँ। बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही हमें बड़ी गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यूनिवर्स में सबसे हॉटेस्ट चीज क्या है? बिग बॉस वाली नहीं, जेठा जी वाली। यार अभिषेक के केस में ना बेस्ट पार्ट ये होता है, जब मैं इसका रिएक्शन देखता हूँ ना मीम्स वगैरह पे, तो मेरे को मीम्स एडिट करके देने के लिए कोई एडिटर तो है नहीं जो मैं बैठ के आराम से देखूंगा और वो एडिट कर देगा बाद में वीडियो। तो एडिट की कराई वीडियो है, उस पर रिएक्ट कर दो, सौखा काम। अच्छा देख, उसके अंदर 7 सिक्के, जल्दी निकाल दे, 2 मिनट का। किसमें? इसमें? इसके अंदर 2 मिनट का टाइम है, मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए। मिट्टी नहीं फेंक रही, अरे तेरे को बाहर नहीं फेंक रही, मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए मिश्रा जी, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए। अरे ठीक है, अरे फिर मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए, तेरे को मैं क्या करूं? तू नहीं 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 आएगी सर, नहीं आएगी। तो 10 बार बोला मिट्टी बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रिंस भाई अलग ही मजे में रहते हैं, मैंने ये देखा है। मतलब कोई भी दिक्कत आ गया होती है ना, मतलब मैंने देखो रोड़ी तो देखा नहीं, पर जितने मीम्स मीम्स सारी चीजें क्या, कोई चीज हो प्रिंस भाई को आगे कर देते हैं, बेचारे प्रिंस भाई फंस जाते हैं। When he does this while driving. अच्छा अच्छा सही क्या सुहिंदर बच्चा, अब से नहीं मिटाऊंगा ऐसी कंजरियों को मैं, टेंशन मत ले तू। हर्ट कर दिया यार, हर्ट कर दिया यार। हे आर यू ऑन इंस्टा? यस। हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? 0 posts, 64 followers, 21 following। मेरे घर वालों से मिलो, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? 0 posts, followers following हो, private account, बस best। I'm joking bhai, पर I'm not joking। मजाक करो। फिर अच्छे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारा फेवरेट मीम कौन सा। बाय। मेरे लिए तो बेस्ट वही था एयरपोर्ट्स वाला, मजा आया देख के, इंटरेस्टिंग था। और फुकरा रिक्रिएट कर रहा 2 lakh पे, चलो 2 lakh अगर फुकरे वाले पे आ गया और 1 lakh लाइक हमारे वाले पे आ गया तो मैं भी रिक्रिएट करूँगा ये वाला मीम, हालांकि मीम रिक्रिएट होगा नहीं वो वाला। लेट्स सी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। मज़ा आया देख के, फुकरे की एडिट किए हुए वीडियोस मिल जाते हैं देखने के लिए, ये आसान काम है थोड़ा। खुद बैठ के पहले तो मीम ढूंढूंगा, अगर मैं खुद ही देख के एडिट कर दूंगा फिर देख के हंसी नहीं आएगी, फिर रिएक्शन प्रॉपर नहीं आएगा, तो इसलिए देख लेते हैं कभी कभी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ थोड़ी ब्रेक के बाद लाइव में, 10:30 बजे लाइव पे आ जाना।